नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टूर कैंप पे। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद के बारे में, जिसे सिटी ऑफ गेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं औरंगाबाद में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है बानी बेगम गार्डन। यह एक खूबसूरत जगह है जो शहर के मध्य से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ऐतिहासिक जगह का निर्माण औरंगजेब के पुत्र ने अपनी बेगम की याद में करवाया था, जहां पर मध्य में बानी बेगम के नाम का एक बड़ा सा गुंबद मौजूद है। औरंगाबाद का यह ऐतिहासिक स्थान पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। नंबर 9 पर है महिस्माल हिल स्टेशन। औरंगाबाद का यह खूबसूरत हिल स्टेशन औरंगाबाद शहर मध्य से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ की खूबसूरत घाटियाँ, घास के हरे भरे मैदान और सुंदर वादियाँ देखने बहुत सारे पर्यटक आते हैं। बारिश का मौसम इस जगह की खूबसूरती में और बढ़ावा करता है और तब वीकेंड्स के दौरान यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं। नंबर 8 पर है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। शिवाजी महाराज के सम्मान में बना हुआ यह शानदार म्यूजियम हिमायत पार्क और दिल्ली दरवाजे के पास में स्थित है, जहां पर पर्यटक मराठा साम्राज्य से जुड़ी बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर पैठनी साड़ी और औरंगजेब द्वारा लिखी कुरान भी मौजूद है, जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की उत्सुकता में और बढ़ावा करती है। औरंगाबाद की यह खूबसूरत जगह सुबह 10:30 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। नंबर 7 पर है सिद्धार्थ गार्डन एंड जू। यह खूबसूरत गार्डन औरंगाबाद के समर्थ नगर विस्तार में स्थित है, जो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर गार्डन के साथ साथ एक छोटा सा जू भी मौजूद है, जहाँ पर पर्यटक कई प्रकार के जंगली जानवर, पक्षी और सांप देख सकते हैं। साथ ही साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा को भी देखा जा सकता है। औरंगाबाद की यह खूबसूरत जगह सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खुली रहती है, साथ ही साथ हर मंगलवार को यहाँ पर छुट्टी रहती है। नंबर 6 पर है औरंगाबाद केव्स। तकरीबन 2 से लेकर 7 ईस्वी के बीच में बनी यह 12 गुफाओं का एक समूह है, जो बौद्ध गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग दिशाओं में बनी यह पौराणिक गुफाएं हिंदू धर्म के तंत्र मंत्र से प्रेरित है। औरंगाबाद की यह प्रसिद्ध और पौराणिक गुफाएं शहर के मध्य से तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णेश्वर मंदिर रोड पर स्थित है, जहां पर पर्यटक सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक जा सकते हैं। नंबर 5 पर है भद्र मारुति मंदिर। औरंगाबाद की यह प्रसिद्ध धार्मिक जगह खुल्दाबाद विस्तार में स्थित है, जो औरंगाबाद शहर मध्य से तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर हिंदू भगवान हनुमान को समर्पित है, जहां पर भगवान हनुमान की प्रतिमा को शयन मुद्रा में देखा जा सकता है। औरंगाबाद के इस प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र पर रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे त्योहारों पर पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है। नंबर 4 पर है दौलताबाद का किला। औरंगाबाद से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ऐतिहासिक किला दौलताबाद में स्थित है, जो देवगिरी किले के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में पहले इस किले का नाम देवगिरी था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाकर इसका नाम दौलताबाद कर दिया था। औरंगाबाद आने वाले इतिहास प्रेमियों में यह एक खास जगह है। औरंगाबाद के इस ऐतिहासिक किले को महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक गिना जाता है। नंबर 3 पर है बीबी का मकबरा। औरंगाबाद की इस ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह को भारत का दूसरा ताजमहल और पश्चिम का ताजमहल जैसे नामों से जाना जाता है। शहर मध्य से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक ऐतिहासिक स्मारक है, जिसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में करवाया था।
औरंगाबाद की यह ऐतिहासिक जगह पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खुली रहती है। नंबर 2 पर है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर औरंगाबाद का सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है, जिसकी गिनती भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण देवी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था, जो दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर वेलूर गांव के पास में स्थित है। साथ ही साथ औरंगाबाद की विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं इस मंदिर के काफी पास में स्थित है। और नंबर 1 पर है एलोरा की गुफाएं। औरंगाबाद की यह विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गुफाएं वेलूर गांव में स्थित है, जो औरंगाबाद शहर मध्य से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ऐतिहासिक गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यहाँ पर कुल 34 गुफाओं का समूह है, जिसमें से 16वीं गुफा में बना कैलाश मंदिर सबसे अधिक लोकप्रिय है। औरंगाबाद की यह ऐतिहासिक गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की धार्मिक एकता का प्रतीक मानी जाती है।